the space around the charged particle where its force of attraction or repulsion can be experienced is termed as इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, और फिर हमने पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की. हमने एक चार्ज रखा यहाँ पर, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मुझे इस पॉइंट क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, विच इज़ बिकॉज ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल. तो मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख देती हूँ और हमने फाइंड आउट कर लिया जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एफ ओवर क्यू नॉट. ओके जी, ये हमने पॉइंट चार्ज के लिए या एक चार्ज पार्टिकल के लिए हमने इस चीज़ को फाइंड आउट कर लिया. फिर हमने क्या किया कि उसके बाद हमने एक्सटेंड अपने ऑब्जेक्ट्स लिए दूसरे, और हम क्या करना चाह रहे थे उसमें कि हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हमने लिए और हमने उस पर फाइंड आउट किया कि हमें हम उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने चार्ज डेंसिटीज़ के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया कि लैम्डा हमारे पास क्या है जी, चार्ज ओवर लेंथ है. इसी तरह हमने सिग्मा को इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज़ क्यू ओवर ए था. फिर हमने रो को इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज़ योर हाउ टू से चार्ज ओवर वॉल्यूम आ जाता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप देखो, उसके बाद हमने पूरा कॉसेस लॉ का एक चैप्टर पढ़ा, उसमें भी हमने क्या फाइंड आउट किया कि हमने उसकी एप्लीकेशन में बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की. इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने देखा कि हम जब चार्ज पार्टिकल की, सिंगल पार्टिकल्स की या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा मैथमेटिकल स्टेप्स करने पड़ते हैं, कुछ अजम्पशन ज़्यादा करनी पड़ती हैं, एक लंबा हमारे पास डिस्कशन होती है जो हमें करनी पड़ती है इस एक चीज़ के लिए. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि उसके बाद हम बेसिकली जो हमारा टॉपिक एक्चुअली वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो इसका ये मतलब है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड आउट करनी है एक्चुअली. लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम एक सिंपल वे से जिसमें हमें ज़्यादा करनी पड़ती है, कुछ अलजेब्रा इन्वॉल्व होता है, उससे आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं किस तरफ कि जहाँ पर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड वे से अपनी कोई चीज़ें फाइंड आउट करते जाएँ. बच्चे, उसकी रीज़न ये है कि जब तक आपके पास एक पार्टिकल होता है तब तक तो लाइफ इज़ क्वाइट ईजी कि आप उसको डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं जिसको आपने देखना होता है, बल्कि समझे कि आप मोस्टली जो, लेकिन आपकी जो देखिए प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें आपके पास जो चार्जेस हैं वो एक सिंगल चार्ज तो नहीं वहीं पड़ा हुआ होता है ना, आपके पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके पास चार्ज पार्टिकल्स, छः सारे चार्ज पार्टिकल्स जिनके आपस में इंट्रैक्शन होता है, उनके दरमियान में रिपल्शन होगी, अट्रैक्शन होगी, तो ओवरऑल उसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्सिटी या जो आपकी पिक्चर है जिसको हम देख रहे होते हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है. तो हम इसलिए अपने मुख्तलिफ जो हमारे पास टेक्निक्स हैं उनको अप्लाई कर रहे हैं. रीजन्स की ये है कि हम अपने जो रियल वर्ल्ड है, अगर हमें उसमें किसी चीज़ को फाइंड आउट करना पड़े, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया या चार्जेस का बिहेवियर हो गया, या हम उनकी एप्लीकेशन चाहते हैं, जस्ट लाइक योर लेज़र प्रिंट है तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आप उस प्रिंसिपल को यूज़ करना चाहते हैं, तो हम उनकी आसानी, हम उन उस अपने जो पर्पज़ है उसको सामने रखते हुए, उसको माइंड में रखते हुए हम यहाँ पे चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. ठीक है जी, तो अब हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो पहली चीज़ है जो वी शुड नो इज़ द डिस्कशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. अगर मैं इसको वहाँ से रिमूव कर दूँ, ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे एक्चुअली कंजर्वेटिव फोर्स को करना चाह रही हूँ. कि कंजर्वेटिव फोर्स इज़ अ फोर्स विद द प्रॉपर्टी दैट द टोटल वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. मे बी आपने इसको डिस्कस किया हो कि कंजर्वेटिव फोर्स एक्चुअली क्या होती है, कि इट्स अ फोर्स और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है. लेट्स सपोज आप यू हैव लेट्स सपोज कोई पार्टिकल, आप एक मिनट, आपके पास कोई पार्टिकल पी है एंड यू वांट टू मूव इट फ्रॉम पोजीशन, लेट्स सपोज कि जहाँ ये जो पड़ा हुआ है जिसे मैं कहती दिस इज आई, आई से आप इसको एफ पर लेकर आना चाहते हैं. ठीक है, तो दिस इसकी जो प्रॉपर्टी इज फोर्स की, दैट दिस द वर्क डन फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स, द वर्क डन बिटवीन टू पॉइंट्स आई टू एफ
इज़ पाथ इंडिपेंडेंट, मीन्स कि इफ़ यू वॉन्ट टू गो फ्राम आई टू एफ इन दिस वे जो मैंने बनाया हुआ है, या आप दूसरा कर लें कि आप आई से चले जाएँ सी पर, लेट्स गो दिस इज़ योर सी, और वहाँ से आप आ जाएँ एफ पर, तो दो डिफरेंट पाथ हो गए ना। एक पाथ आपका लेट्स सपोज मुझे आई नीड टू चेंज द कलर, सो आप उसको अच्छी तरह से, एक आपका पाथ ये हो गया ठीक है ग्रीन वाला, और दूसरा आपका पाथ है ये वाला, एक ये पाथ है थ्रू सी। इसका ये मतलब है कि आप लेट्स सपोज आप यूनिवर्सिटी वाली रोड पे ही रहते हैं कहीं, एक तो ये वे है कि आप सीधा वहाँ से उठें और यहाँ तक आ जाएं यूनिवर्सिटी आ जाएं, दूसरा वे ये है कि आप कहीं और से घूम के सिटी में से घूम के तो दोबारा यूनिवर्सिटी में आ जाएं ठीक है। जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है वो जो उस वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, उसका जो वर्क डन होता है, आप इसका वर्क डन फाइंड आउट करें, इसका इन इस रास्ते का करें तो क्या होगा, ये सेम होगा, इसमें डिफरेंस नहीं आएगा, और पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं इसलिए। इसका ये मतलब है कि अगर आप एक क्लोज या सर्कल पे इस पॉइंट से आप शुरू करें और इसी पे आप आके आप ख़त्म कर दें, आपका जो पॉइंट है उसका इनिशियल पॉइंट ये हो और एफ ये हो, लेकिन यहाँ से घूम के आ रहा है ठीक है, यहाँ से घूम के यहाँ पर आ रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, ऑफकोर्स बर्डन आपका ज़ीरो होगा। तो ये कॉन्जर्वेटिव फोर्स का एक कॉन्सेप्ट होता है। अब कॉन्जर्वेटिव फोर्स के हम क्यों इसको कर रहे हैं, हम इसे क्यों करना चाहते हैं एक्चुअली, उसकी रीज़न ये होती है कि आप ऐसी फोर्स अगर फाइंड आउट कर लें विच इज़ कॉन्जर्वेटिव फोर्स, तो यू कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू द क्लोज सिस्टम। और मैकेनिक और इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने का क्या एडवांटेज होता है कि हम इजीली फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज जहां पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में या ऐसी सिचुएशन में जहां पे अदरवाइज फोर्स को फाइंड आउट करना मुश्किल होता है ठीक है। सो एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा है कि जो आपके पास आपकी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दैट इज़ कॉन्जर्वेटिव, विच मीन्स द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज़ पाथ इंडिपेंडेंट। तो इसका ये मतलब है कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ठीक है जी। एक तो ये कॉन्सेप्ट होगा, दूसरी बात ये कि जो फोर्सेस आपकी कंजर्वेटिव हों उनके साथ एक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होती है ठीक है जी। तो अभी हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या है जो हमने इसके साथ एसोसिएट की है, कि आपका लेट्स सपोज कि आपके पास आप देखना चाह रहे हैं दो पार्टिकल के दरमियान अपनी, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा फिर मैं ऐसा करती हूँ इसको दूसरी साइड पे ले जाती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा स्टफ़ है, इसको मूव करना थोड़ा मुश्किल है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी के एक्चुअली कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, होता है कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्स बिटवीन टू और मोर चार्ज पार्टिकल्स, ये आप समझिए कि आपके पास एक पार्टिकल वन है दूसरा आपके पास पार्टिकल टू है, तो फोर चार्ज पार्टिकल्स है तो इनके दरमियान में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। अब क्या होता है कि इस सिस्टम के साथ, जैसे हम कहते हैं कि आपका कोई एक ग्लास है आपका टेबल पे पड़ा, ऑफ़ कोर्स रिलेटिव होता है, जैसे हम अपनी ऑफ़ कोर्स वो डिफरेंट है, उसकी एग्जांपल यहाँ पर एक पोजीशन चेंज होने से आ रही है, लेकिन आपको पता है जब आपका आपके पास आप अपने क्लासिकल वर्ल्ड में देखते हैं कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट कहीं पड़ा हुआ है किसी एक जगह पर तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ऑफकोर्स वो ग्लास अगर गिरता है तो वो काइनेटिक एनर्जी जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है काइनेटिक में ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है जब ऊपर से नीचे आ रहा है ठीक है। तो इस किस्म की तो यहाँ पर क्या होता है जब सिस्टम एक उसके इस सिस्टम के पास है, बिकॉज दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव विच मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद दिस सिस्टम, तो जब एक पोजीशन से ये जो सिस्टम है दूसरे पोजीशन में जाता है तो क्या होता है कि वहां पर उसके पास एक वो वर्क डन करता है ठीक है। लेट्स सपोज कि आपके पहले वो एक कॉन्फ़िगरेशन आई में था और उसके बाद वो एफ में चला गया, इनिशियल से फाइनल में हम उसको कहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपके पास जो फोर्स है जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी थी जिसको हम कहते हैं कि यू एफ फाइनल होगी माइनस यू आई, ये जो इनका पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है पहले एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आते हुए दैट इज़ इक्वल टू माइनस डब्ल्यू दैट इज़ वर्क डन, कि वर्क डन के बराबर होता है। अब हम क्या करते हैं, हम हमारा एक्चुअली वे ये है कि हम रेफरेंस अपना कोई पोटेंशियल लेते हैं, कोई पोटेंशियल एनर्जी के एक रेफरेंस लेते हैं, लेट्स सपोज कि मैं कहती हूँ कि इन्फिनिटी से आपके पास ये आई जो चाहिए आपके पास किसी इन्फिनिटी पे था, इसका ये मतलब है कि एट इन्फिनिटी आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसको हम ज़ीरो रखते हैं, किसी भी रेफरेंस पे एक्चुअली हो सकता है, समझिए कि उनके दरमियान में एक इन्फिनाइट डिस्टेंस है या वो आपका इनिशियल पॉइंट कहीं से आ रहा है, जिस इन्फिनिटी पे हमने उसकी पहली पोजीशन को या इनिशियल पोजीशन को
एज्यूम किया है, वहाँ पर हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी वो क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि अच्छा पहले इसको तो हम यूँ लिख सकते हैं, आपको पता है कि डिफरेंस को, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ओके। और अगर आप इनिशियल पॉइंट अपना ज़ीरो एज्यूम कर लेते हैं तो आपके पास जो आपका यू है दैट इज़ इक्वल टू माइनस डब्ल्यू वर्क डन। ये दो वे हैं उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू वर्क डन, ये जो मेन कॉन्सेप्ट है आपने इसमें से ये लेना है कि आपका सिस्टम एक पहले एक पोजिशन पर था, या उसकी एक जो उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स थे वो इनिशियल से एक फाइनल जब किसी दूसरी पोजिशन पर आ जाते हैं, तो आपने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को आप ऑब्जर्व करते हैं, दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन, ठीक है जी। ये चीज़ हमारे पास एक आ जाती है। इसका ये मतलब है कि अब हम ये करना चाहते हैं कि देखना ये चाहते हैं कि अब हमारे पास वर्क डन क्या होता है, क्योंकि एक नई टर्म हमने इंट्रोड्यूस, पोटेंशियल एनर्जी तो हमने देख लिया, अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू इज अ वर्क डन, एंड वट इज़ वर्क डन, वेन अ फोर्स कॉजेज अ बॉडी टू मूव, आपके पास कोई भी फोर्स है वो किसी बॉडी को उसकी उसकी फोर्स की वजह से, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स योर बॉडी इज़ इन मोशन, वर्क इज बीइंग डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द फोर्स। कि आपके पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और आप उसको थ्रू फोर्स एक इस पोजीशन से यहाँ तक लेकर आ जाते हैं, सो वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑन द सिस्टम, ठीक है। आपके पास आपके ऑब्जेक्ट पे वो फोर्स काम करती है। वर्क इज़ द मेजर ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर व्हेन अ फोर्स एफ मूव्स एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस डी। ये जो आपका डिस्टेंस है दैट इज टर्म्ड एज डी, ठीक है जी। तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्क डन है। अगर आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो आपके पास वर्क डन किस चीज़ के बराबर, एफ डॉट डी, ये डॉट है या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, ये वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी। आपके पास क्या है जी, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट किसके दरमियान में होता है, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के दरमियान में होता है। हम पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि लेट्स सपोज अगर मैं खाली लिखती हूँ यहाँ पे एफ़ डॉट डी, तो इसका मतलब है दिस इज सिंपल मल्टीप्लीकेशन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगाती हूँ जो शो करते हैं कि एफ भी वैक्टर है डी भी वैक्टर है, तो अब इसका क्या मतलब होगा कि अब आपके पास डॉट प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। वैक्टर्स की आपने वैक्टर एनालिसिस पढ़ा होगा, आपको पता है कि वैक्टर्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। इवन अगर वैक्टर को आपको ऐड भी करना हो तो आप डायरेक्ट उनको ऐड नहीं कर सकते हैं, अनलेस अनटिल कि उनकी पोजीशन सॉरी उनकी डायरेक्शन एक ही तरफ हो। उसकी एग्जांपल आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास एक क्रूड एग्जांपल है कि एक गाड़ी यहाँ पर जा रही है और लेट्स सपोज के 30 की स्पीड से वो जा रही है और पीछे से एक और गाड़ी आके उसको हिट करती है, अगर वो 30 या 20 की स्पीड पे थी तो क्या होगा, गाड़ी आगे को मूव करती इसी तो आगे जाके वो लगती है बेचारी, तो क्या होता है ये अब वेक्टर होने की, अब वेक्टर अगर तो सेम डायरेक्शन में तो इसका मतलब कि उनका मैग्नीट्यूड सिंपल ऐड हो जाता है इस तरह से। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये गाड़ी इधर को जा रही है, ये गाड़ी आके आप इधर से उसको हिट करती है, तो ऑफ कोर्स आप उसका नहीं बता सकते कि अब उसका एडिशन क्या होगा, क्योंकि वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में आ गई थी। तो जब हमारे पास वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है हम उनको अरिथमेटिकली ऐड कर लेते हैं, उनका मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता है, डायरेक्शन ऑफ कोर्स उनकी सेम होती है, दोनों की सेम हो जाती है। और इसी तरह से डॉट वाले केस में आता है कि आपके पास इनके दरमियान में एंगल है, लेट्स सपोज अगर इनके दरमियान में एंगल ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो का क्या मतलब है कि ये कॉस ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पर और ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप सिंपल इनका ये चीज़ तो वन हो जाती है और ये चीज़ क्या हो जाती है, जो आपका सिंपल क्वान्टिटीज़ का अर्थमेटिकली मल्टीप्लीकेशन होता है ये उस तरह से सॉल्व हो जाता है, ठीक है जी। इस चीज़ को एक्चुअली हमने ऑलरेडी थोड़ा डिस्कस किया हुआ है, तो मैं फिर एक बार इसको आपको जस्ट रिमाइंड करवाने के लिए इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस कर रही थी। ओके जी, यू आर टॉकिंग अबाउट वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है कि फोर्स अप्लाई होती है और आपका जो बॉडी है वो मूव किसी इस स्पेशल डायरेक्शन में, जो भी उसकी डायरेक्शन होगी, जिस तरफ आपकी फोर्स होगी वो आप उसका वो कोई डिस्टेंस तय करती है, ठीक है। ये जो आपका डिस्टेंस वेलोसिटी है दैट इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ये जो आपकी फोर्स है वो भी वेक्टर है। तो इनके दरमियान में आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और ये डिफाइन करते हैं किसको, आपके वर्क डन को, ठीक है जी। अब हमारे पास वर्क डन भी हो गया। अब यहाँ से ये हो गया कि डेल्टा, बेसिकली मैंने क्या इंट्रोड्यूस क्या करी थी मैं, कि डेल्टा यू इज़ इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, विच मीन्स दिस शुड बी इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी, ठीक है जी। यही चीज़ बन गई ना हमारी। ओके जी, नाउ हाउ वी कैन इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज यू इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और वी आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज,
एंड इफ़ यू वॉन्ट टू सी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज विच शुड बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ओवर क्यू। ठीक है जी, अभी हमने पहले सबसे पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी का देखा कि जो भी आपकी कॉन्जर्वेटिव फोर्स होती है उसके साथ एक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होती है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू माइनस वर्क डन। ठीक है, और आपका जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज वी, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू। ये आपका यूनिट चार्ज है और इसका ये मतलब है कि अगर आप इसको W के साथ डिवाइड करते हैं Q को, तो ये इसका मतलब है कि इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप अगर आप U को दरमियान में से निकाल दें तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू माइनस W ओवर Q। ठीक है जी, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और बात से कि आपको ये समझ आए कि हम किस तरह से अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को या फिजिक्स की थ्योरी को किस तरह से हम अप्लाई करते हैं अपने रियल सिस्टम पे। ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमें पता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ये फिजिकल सिस्टम है, ये हमारा ये कोई हमने सपोज नहीं करें इस क्वेश्चन को, ये हम जो एग्जैक्टली आपकी नेचर में जो काम हो रहा है इस वक्त हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, कॉस्मिक रेज है। अभी हमने एक नया कॉन्सेप्ट हमने जाना कि कॉस्मिक रेज क्या होती हैं। कॉस्मिक रेज आर हाई एनर्जी प्रोटॉन्स होते हैं, ये प्रोटॉन भी हो सकते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं, मीन्स के चार्ज पार्टिकल भी, इसके पास हाई एनर्जी होती है। जब हाई एनर्जी से आके ये आपके एटमॉस्फेयर से स्ट्राइक करते हैं तो ऑफकोर्स जब चार्ज पार्टिकल आके हिट करता है उसको बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी होती है, तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एटम उसको एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो उनसे वो निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब वो निकलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि होता क्या है, डाउनवर्ड, ये आपके पास है कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अर्थ की वजह से दैट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड। ठीक है जी, और इसकी जो वैल्यू हमें बताएं, व्हाट इज़ द चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक, ये एनर्जी की बात हो रही है, मींस हम डेल्टा यू की बात कर रहे हैं, ऑफ अ रिलीज इलेक्ट्रॉन व्हेन द इलेक्ट्रिक फोर्स कॉजेज इट टू मूव वर्टिकली अपवर्ड्स फॉर डिस्टेंस दिस वन। ठीक है, अब हमें ये आपको जो फोर्स है उसके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको कॉज करिए कि वो मूव करे अपवर्ड। ठीक है, ये ऊपर को चला गया है और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी अपवर्ड है। ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, डी आपको गिवन है, दैट इज़ 520 मीटर है और इसकी डायरेक्ट आउट डेल्टा यू चेंज। ठीक है जी, ये आपने फाइंड आउट करना है। अब हम किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे, कुछ है आइडिया आपको कि डेल्टा यू किस चीज़ के बराबर है, कोई ऐसी नॉन चीज़ आप बता सकते हैं जिसके बराबर ये डेल्टा यू हो और हम इसको सॉल्व कर लें। जी क्या कहते हैं, यस दिस इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, दिस इज वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, हमें वर्क डन का पता है कि वर्क डन बराबर होता है एफ डॉट डी, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है जी, इसका ये मतलब है और डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है। अब चल पहले मैं इसको लिख लूँ कि यहाँ पर आ जाएगा एफ d cos theta, so what is the what is theta then, force की direction upward, d की direction upward। अब आप मुझे बताएं कि theta की direction क्या, theta कौन सा angle होगा। जी क्या कहते हैं, अच्छा बाकी लोग जो हैं वो मेहमान तो नहीं आए हुए थे क्लास में ना, सारे लोग पार्टी हम आंसर लिखे कि यहाँ पे कौन सा एंगल आ रहा है। ऑफ कोर्स बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल विच मीन theta शुड बी ज़ीरो और आपके पास ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, f और d के। अब डी तो हमारे पास गिवन है जो ऊपर क्वेश्चन, दैट इज 520। व्हाट अबाउट एफ, एफ तो हमें गिवन नहीं है, अब एफ को मैं क्या कर सकती हूँ, कोई आप इसके बारे में कोई ऑप्शन दे सकते हैं कि एफ को मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ। जी क्या कहेंगे, कैसे हम एफ को फाइंड आउट करूँ, मेरे पास एफ गिवन नहीं है, ई अलबत्ता मेरे पास गिवन है, तो इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड एफ। जी कोई है तो ये बताए कि क्या रिलेशनशिप है एफ और ई का। एफ इज इक्वल टू, क्यू लिखना चाहिए, एफ ओवर क्यू विच मीन्स क्यू ई क्यू इज इक्वल टू एफ, ये जी रिलेशनशिप है हमारे पास एफ और ई का। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू ई डी, एंड वट इज़ वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू में गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, क्यू की वैल्यू आप कहाँ से लेते हैं, अब इतनी टेंशन पड़ गई है।
पहले हमें डी का पता चला था, तो पहले हमें यू हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने क्या किया, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें पता था कि उसका रिलेशनशिप है वर्क डन के साथ, तो हमने उसको वर्क डन के साथ इक्वेट कर दिया। फिर हमारे पास एफ आ गया, एफ गिवन नहीं था, तो हमने एफ फाइंड आउट करने के लिए अपना जो प्रीवियस नॉलेज था, जो प्रीवियस हमारे पास एक रिलेशनशिप हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था, वो हमने देखा कि ई इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू होता है, विच मीन्स कि एफ शुड बी इक्वल टू क्यू एंड ई। तो मैंने ई एफ की जगह पे एफ इस एफ की जगह पे रिप्लेस कर दिया किसको, क्यू और ई को, और डी वैसे का वैसे आ गया। अब हमें एक नई टेंशन पड़ गई कि अब क्यू क्या है, क्योंकि एफ था पहले, एफ की जगह पर क्यू और ई आया, तब क्यू की वैल्यू मैं क्या लिखूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो हमें पता है कि जी इलेक्ट्रॉन किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन की क्या चार्ज होता है, ठीक है, आप 1.6, सॉरी 1.9, क्या जी आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी, यहाँ पे कौन सा कर जी 1.6 × 10⁻¹⁹ ये चार्ज है उसका, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 150 N/कूलम। डी क्या है, 520 आई थिंक मीटर में है, नहीं मीटर में तो आप इसको कन्वर्ट कर लें मीटर से, ठीक है। अब आप इसको देखें कि आपके पास क्या एंगल आएगा, जी अच्छा, मैंने एंगल एफ और डी का लिखा था, अब इसमें थोड़ी सी और चेंज आ गई है। चेंज ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर का, एंड पे मैंने एफ को रिप्लेस कर दिया है ई के साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है। इसका यह मतलब है कि एफ और ई की डायरेक्शन अपोजिट थी, या तो मैं इसके साथ एक माइनस साइन ऐड करूं क्योंकि एफ और ई की डायरेक्शन के उसे करने के लिए, या मैं ये भी कर सकती हूँ कि यहाँ पर मैं कॉस थीटा को वैसे ही साथ में लिख लेती हूँ, यहाँ पर भी क्या करूँ कॉस थीटा आ गया, यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। अब जब मैं ई और डी का एंगल देखती हूँ इनके दरमियान में कौन सा एंगल है, तो ये क्या आ जाएगा, अब 180 आ जाएगा, वो अपोजिट है, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा जी, आंसर मेरे पास कुछ आएगा, मुझे थोड़ा सा करने दें कि माइनस एक, इसका भी माइनस था मेरे पास, ये माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है, तो मेरे पास आ गया ये माइनस हो, ये माइनस प्लस हो गए, और आ गया जी 1.2। ये आप चेक करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, 10⁻¹⁴ जाऊल जी मेरे पास इसका ये इस तरह से आंसर आ जाता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि हमें अब याद रखिए कि हमें W नहीं हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे, हमने फाइंड आउट करना था डेल्टा U। सो डेल्टा U किसके बराबर आ जाता है, ये आपका डेल्टा U विच इज़ इक्वल टू माइनस W, विच मीन्स कि अगर मैं इस टर्म के साथ माइनस लगा दूँ तो मेरा क्या बन जाएगा जी, यहाँ पे ये -1.2 × 10⁻¹⁵, ये आपके पास क्या निकल गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। रिमेंबर बच्चे, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन की इक्वल नहीं होती जब तक आप उसका रेफरेंस नहीं फाइंड आउट करते, क्योंकि रेफरेंस एनर्जी अगर आपको, अगर आपने जीरो रखी हो तब यू इज़ इक्वल टू डब्ल्यू आता है, अदरवाइज क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो हमने उसको यूज़ करते हुए अपना क्या फाइंड आउट कर लिया, वर्क डन फाइंड आउट कर लिया है। ओके जी, अब हम दूसरा काम क्या करते हैं कि हमने डेल्टा यू अगर हमारे पास हो तो आपको पता है कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है, अभी ऊपर हम लिख कर आए, आप थोड़ा सा बता सकते हैं, डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू विच इज़ माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका डेल्टा यू था, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ −1.2 × 10⁻¹⁴ जाऊ को किसके साथ, क्यू के साथ, क्यू क्या था 1.6 × 10⁻¹⁹ को साथ अगर आप शो कर देते तो आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है जी। तो अब वो कैलकुलेट करके मुझे बताएं कि वो क्या आता है आपके पास, मेरे पास कुछ इसकी वैल्यू है जी 4.5 × 10⁻⁴ वोल्ट।
आप इसको कर सकते हैं, क्लियरेंस करके आप किलो वोल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जो इसके यूनिट्स है ना उसको अभी हम चेक करते हैं कि हम यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका यूनिट होता है वोल्ट, जो हमारे पास एनर्जी, आपको पता है एनर्जी का यूनिट जाउल होता है। अभी हम इसको चेक करेंगे कि हमारे पास जाउल पर कूलम वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको वोल्ट लिख दिया, और आप ये भी कर सकते हैं जाउल पर कूलम भी लिख सकते थे। तो ये हमें मिल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की है, बल्कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखा है। उसको हमारे पास फाइंड आउट करने का कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी वो थी उससे हम वर्क डन को फाइंड आउट कर सकते थे। तो हमने वर्क डन फाइंड आउट किया कि कितना वर्क डन हुआ है यहाँ पर इस सिस्टम पर, और वहाँ से हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर ली। फिर हमें रिलेशनशिप पता था कि आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एसोसिएट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। तो क्या होता है, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर दें चार्ज के साथ पर यूनिट चार्ज, तो आपको क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है जी। जिसकी एसी, ओके जी। अब हम बात करेंगे इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस की। एसी सर्फेसिस जहाँ पर पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। अब ये आपके सामने जो जो फिगर अगर आपको नज़र आ रही है, आप इसको अगर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, सर्फेसिस कौन कौन सी सर्फेसिस हैं, अगर मैं इसको ज़रा थोड़ा सा फर्दर क्लीन करूँ, तो यहाँ पर देखें ये आपका जो नंबर लिखा है यहाँ पे, ये आपकी पहली सर्फेस आ गई, ठीक है। ये V1 जिसका पोटेंशियल है, दूसरी V2 है, तीसरी V3 है, और फोर्थ V1 है। अब आपने इसमें डिफरेंट पार्ट्स लेने हैं, ये शो के थ्रू क्या कर रही है। अगर आपका पोटेंशियल एक ही है, VF-VI अगर आप करेंगे, और VF भी वही है जो कि VI था, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है, तो ऑफ कोर्स ये ज़ीरो हो गया। आप V1-V1 अगर करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। विच मीन्स कि अगर मैं आपको यहाँ पे लिखूँ कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जो ड्राइव किया है कि हमारे पास VF-VI किसके बराबर आ रहा था, -W/Q के, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि अगर आप एक सरफेस पे ही, ये आपकी जो पहला केस है जिसको मैंने अभी ग्रीन की तरह रेड करना चाहिए था, दैट इज ये, इससे पहला पॉइंट ये उन्होंने लिया है, और इसी सरफेस पे ये दूसरा पॉइंट उन्होंने ले लिया। इसका मतलब ये है कि सेम इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। तो लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि V1 था, तो ये भी इनिशियल भी V1 है, फाइनल भी V1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। विच मीन्स कि वर्क डन, अगर एक ही पोटेंशियल सरफेस के ऊपर वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। अब इसकी दूसरी कंडीशन अगर आप देखें, ये वाला अगर सेकंड वाला देखें, तो आपने स्टार्ट किया है पोटेंशियल V3 से, ठीक है। V3 से आप आगे हैं V4, ये बच्चे ये ग्रीन जो निशान है ये ऐसे बना हुआ, ठीक है। स्टार्ट किया आपने V3 से, ठीक है, तो मीन्स कि आपका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या हो गया, दैट इज़ V3, ठीक है। और अब आपने कहाँ पर, फिर आप V4 पर आए, और फाइनल आपका पॉइंट क्या है, अगेन V3, तो यहाँ पर भी V3 आ गया, तो अगेन आपका वर्क डन क्या हुआ, ज़ीरो हो गया। ये क्या, ये चीज़ क्या शो करती है कि अगर आप सेम पोटेंशियल वाली सरफेस पे रहती हैं, इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेस पे रहते हैं, तो चूंकि हमने ये देखा है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या जो ये जो फोर्स ही, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, कि जो भी जिस भी पाथ से आप होकर आए हैं, हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, ओनली इनिशियल वैल्यू में और फाइनल में। आप यहाँ पर V4 से होके आ रहे हैं, जो पाथ है इसमें V4 आ रहा है, बिकॉज बट ये जो वर्क डन है दैट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट, विच मीन्स कि ये एक ही बात होगी कि आपने इनिशियल देखा और फाइनल पॉइंट देखा। इसी तरह अगर आप अपने दूसरे को देखें, यहाँ V1 से आपने स्टार्ट किया है, यहाँ से चलते हुए आप V3 पर आए हैं, V2 पर आए हैं, और V2 पे आपने एंड किया। अब यहाँ पे देखें क्या होगा, अगर मैं इसको थोड़ा बल्कि इसको इधर कर लेती हूँ, ठीक है। इस वाली सरफेस में जब आपका इनिशियल पॉइंट था V1, ठीक है, और V1 से चल के आप V3 पर आए, ऑफ कोर्स आपके फार्मूले V3 नहीं आता इसलिए आप इसको छोड़ देते हैं, और फिर फाइनल आपका पॉइंट क्या है, V2, दिस इज V2, दिस इज इक्वल टू -W/Q। नाउ अब आप देखें कि आपके दोनों इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट है,
ठीक है, तो इन दैट केस आपके पास वर्क डन की वैल्यू जीरो नहीं होगी, कुछ और आएगी। अगर आपको ऑफ कोर्स वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए यू नीड मोर डेटा मोर इन्फॉर्मेशन, लेकिन एट द मोमेंट हम जो ये टॉपिक जो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि अगर आपके पास आपके पोटेंशियल सेम हो, अगर एक आपका पार्टिकल या कोई आपका सिस्टम स्टार्ट करता है मोशन या मूवमेंट स्टार्ट करता है किसी एक इनिशियल पॉइंट से और उसी पोटेंशियल पे अगर उसे ख़त्म कर देता है तो इट मींस कि उसके अंदर चेंज नहीं आएगी। और जो आपका वर्क डन है, वर्क डन बेसिकली शो करता है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इट्स वेरी यू कैन से इजी कॉन्सेप्ट और आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास जो वर्क डन है दैट डिपेंड्स ऑन द चेंज इन द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। इस वक्त हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करना चाहते हैं में क्या है, वो ज़ीरो हो गई है और आपके पास वर्क इनिशियल पोजिशन थी वहाँ से चलता वो एफ पर आ गया, कोई पाथ उसने फॉलो किया, ठीक है, और हम ये देखना चाहते हैं। सो इट्स वेरी यू कैन से ईजी कॉन्सेप्ट और आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास जो वर्क डन है दैट डिपेंड्स ऑन द चेंज इन द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। इस वक्त हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है तो इसका ये मतलब है कि उसकी चेंज उसमें क्या है, वो ज़ीरो हो गई है और आपके पास वर्क डन क्या आ जाएगा, वर्क डन आपका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। सेम पोटेंशियल पे आपका वर्क डन ज़ीरो होता है, ठीक है। ये इसमें इतनी सी ही इसके समझने की बात थी, इसमें कोई और बड़ी चीज़ नहीं थी, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं, नेक्स्ट हम फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक इसका जो अभी हमने जो पोटेंशियल देख रहे थे, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं पोटेंशियल को फ्रॉम द फील्ड। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हम इसको वर्क डन से ही कर रहे थे कि हमने उसकी वैल्यूज़ लिखी हैं, लेकिन अब हम क्या चाहते हैं बेसिकली, जो पिछले हमने एग्जांपल की थी आपको याद होगा तो उसमें भी अगर हम बेसिकली लाते वर्क डन, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगी, वर्क डन से ही आएगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास वर्क डन किसके बराबर था, एफ डॉट डी के, और एफ़ क्या था, एफ़ आपका क्यू ई था, विच मीन्स कि अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करनी, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो आप को ई से भी मिल सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि आपके पास वर्क डन के ही फार्मूले में आपको ई और बी का आपस में रिलेशनशिप मिल जाता है, ठीक है। हम देखते हैं कि अब इसको हम किस तरह से एक सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। आप अगर आप डायग्राम को देखें तो हम क्या करते हैं, हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, पोटेंशियल निकालना चाहते हैं चेंज इन पोटेंशियल। लेट्स सपोज कि किसी सिस्टम का आई पे उसकी इनिशियल पोजीशन थी वहाँ से चलता वो एफ पर आ गया, कोई पाथ उसने फॉलो किया, ठीक है, और हम ये देखना चाहते हैं कि इसका अब पोटेंशियल हम फाइंड आउट करना चाहते हैं चेंज इन पोटेंशियल टू सम एक्सटेंट हम कहेंगे, ठीक है। और अब हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम फिर वापस जाएंगे जहाँ पर हमने अपना पॉइंट चार्ज लिया था, क्या आप कोई एक टेस्ट चार्ज लेंगे उसको इसी पाथ पे जो बात आप देखना चाहते हैं वहाँ पे इनिशियल से फाइनल में रखेंगे, और यहाँ ये आपका पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ये आपका टेस्ट चार्ज है, ठीक है। इसने ये वाला सॉरी ये छोटा सा रास्ता, ये जो डी एस है ना, ये इसने मूव किया है अपने यहाँ पर इस लाइन पर। डी एस से क्या मुराद है कि आप छोटा सा एस आपकी टोटल लेंथ है और डी एस से मुराद है कि आप उसका स्मॉल पैच, ये जो ये वाला पैच है ना, इसको आपने कंसिडर किया है, ठीक है जी। अब इस चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी, वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड की, वही फोर्स एक्सपेक्ट कर रही है ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो वर्थ है वो ज़्यादा है, यहाँ पर इसकी कम है, विच शोज कि ये जो गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि इस पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इसके फोर्स सेम है, सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट है यहाँ पर, ओके जी। अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर इस पार्टिकल की वजह से, ये उसका ई है, ये उसका डी एस है, हमने क्या देखना है, हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि इसका वर्क डन क्या है, और एक स्मॉल पार्टिकल का आप देख रहे हैं, स्मॉल पैच के लिए देख रहे हैं, तो हम अपनी वही स्टोरी करेंगे, वही स्कीम हम यूज़ करेंगे जो हम पहले करते आए हैं, कि मैं कहूँगी कि टी डब्ल्यू टोटल वर्क डन क्या है आई से लेके एफ तक, एट द मोमेंट आई एम नॉट कंसिडरिंग द होल पाथ, मैं कौन सा पाथ इसका ले रही हूँ, ओनली अ स्मॉल पैच दैट इज स्मॉल लेंथ दैट इज़ डी एस, ठीक है जी, एस टोटल लेंथ है और मैं इसको डी एस ले रही हूँ, तो अब ये किसके बराबर आ जाएगा, जो भी उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है वो, और साथ में आपका डी एस, ठीक है जी, ये चीज़ आ गई। अब आपको पता है कि आपका एफ़ क्या चीज़ है, एफ़ की जगह पर आप रिप्लेस कर दें किसको, क्यू, क्यू आपका स्केलर हो गया, ये आपका वेक्टर और यहाँ पर आपका डी एस, ठीक है जी, ये चीज़ क्योंकि इसकी डायरेक्शन है डी एस की, क्योंकि इस डायरेक्शन में आप आई से एफ़ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्यू नॉट भी लिख सकते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं, वट एवर जो भी आपका
लिखना चाहें कि लेकिन आप इस क्यू को शो कर रहे हैं जो एक चार्ज पार्टिकल है जिसको आप मूव करवा रहे हैं इस पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है जी। अब आपके पास क्या आ जाएगा, अगर हमें W चाहिए तो हम वही हम काम करेंगे कि हम स्मॉल पैचेस को इतना एक तो बहुत छोटा लेते हैं और बहुत करीब लेंगे कि हम इस पर कैलकुलस अप्लाई कर सकें। सो टोटल वर्क डन वुड बी क्या आ जाएगा जी, क्यू नॉट ई डॉट डी एस, ये आपके पास ही W आपका आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि आपका W किस चीज़ के बराबर था, जो आपके पास वी एफ माइनस वी आई, ये किसके बराबर है, माइनस W ओवर क्यू नॉट, क्योंकि यहाँ मैंने क्यू नॉट लिया है इसलिए मैंने यहाँ पे भी क्यू नॉट लिखा है। अगर हम इसको आप कंफ्यूज अगर हों इसके कि हमने पहले क्यू लिया था, तो मैं फिर क्या करती हूँ, मैं इसको भी क्यू ले लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो कि हम क्या काम कर रहे थे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, क्यू। तो अब मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे जी, माइनस इस ये वाला माइनस यहाँ पर आ गया, ये क्यू मैंने बाहर निकाल दिया, ये वाला क्यू, ठीक है जी। अब अंदर मेरे पास क्या बच गया, ई डॉट डी एस, और बच्चे इंटीग्रेशन में पता है कि कहाँ से ये आई टू एफ है, हमने हमारा जो टोटल पाथ है दैट इज़ आई टू एफ, ओके। अब हमारे पास क्या बच गया कि ये जो डेल्टा वी है दैट इज चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस आई टू एफ, वट एवर द डिस्टेंस आप जो भी आपको गिवन होगा, इनिशियल पॉइंट को आपको बताया जाएगा। अभी मैं एक और एग्जांपल यहीं पर अभी करती हूँ तो आपको उससे कंफर्म हो जाएगा कि हमने कौन सा पॉइंट लेना है, ठीक है। और अगर हम ये काम करें कि हमारा इनिशियल वी अगर मैं कहती हूँ कि वो पोटेंशियल ज़ीरो है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आप इसको वी भी निकाल सकते हैं इसका, वो कैसे निकलेगा जी कि आप वी एफ माइनस वी आई कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी ये वी आई आप इसको ज़ीरो ले लें, तो v इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी एस। इन दिस वे हम क्या करते हैं, हमने पोटेंशियल फाइंड आउट किया है फ्रॉम e, ठीक है, ds आपका लेंथ है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके मुताबिक आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। अब हमने डायरेक्ट एक रिलेशनशिप बनाया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर आप फिर इस चीज़ को देखें कि हम क्या कर रहे थे, हमारे पास एक पाथ ही, ये हमारी फील्ड लाइंस हैं ब्लू वाली, ये इनकी डायरेक्शन इससे एरो इसका शो कर रहा है कि डाउनवर्ड नीचे की तरफ इसका डायरेक्शन है ई की। यहाँ पे एक इनिशियल पॉइंट है आई और यहाँ पे एक फाइनल पॉइंट है एफ, ठीक है। हम यहाँ से इसका हम कहते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने मूव किया है, और अब हम चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना चाहते हैं, ठीक है जी। और देखना किस चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या करते हैं, हम एक छोटा अपना टेस्ट चार्ज लेते हैं या कोई एक चार्ज लेते हैं, उसको हम मूव करवाते हैं आई टू एफ। तो अब हमने अगर मैं एक छोटे से पैच पर अगर उसको मूव करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, वो वर्क डन मिलेगा जो उतने से पोर्शन के लिए, समझो कि इस पैच को मूवमेंट के लिए या इस दौरान इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए जो काम हुआ है दैट इज़ डी डब्ल्यू, वो होल वर्क, ये जो आई टू एफ है दैट इज़ डब्ल्यू, ये जो वर्क डन है टोटल वर्क डन, और ये थोड़ा वाला है तो यहाँ पे हमने इसको डी डब्ल्यू कह दिया। हम ये लेते हैं, वही हमने वर्क डन का फार्मूला इसमें यूज़ किया है, उसके बाद हमने एफ को क्यू ई से रिप्लेस कर दिया है, और फिर हमने वही अपना जो पुरानी हमारी एक स्कीम है कि हमारा वे है कि हम क्या करते हैं कि हम अपने एक छोटे से पोर्शन का फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, वो उस स्मॉल पोर्शन के लिए आपको यूनिफॉर्म लाइक बिहेव करेगी, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उससे हम स्मॉल पैचेस को या स्मॉल जो हमारी लेंथ है उनको हम एडप्ट करते चले जाते हैं, वो इतने क्लोज होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि वो बिहेव लाइक अ कॉन्टिन्यूस पाथ, ठीक है। तो उसको हम इंटीग्रेट करके तो हमें एक रिलेशनशिप मिल गया है दैट इज़ वी इज़ इक्वल टू केस व्हेन योर वी आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अदरवाइज ये एक स्पेशल केस में हमने इसको मैंने अज्यूम किया है, अदरवाइज हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास एग्जैक्ट एक फॉर्मूला दैट इज चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस, दोनों वेक्टर्स हैं और ये आपका पाथ आई टू एफ है, ठीक है जी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि हम किस तरह से इसको हम फाइंड आउट करते हैं और हम क्या कर रहे थे, ठीक है जी। अब जी हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि आपके पास दो, अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब पाथ इंडिपेंडेंट हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ आपकी पाथ इंडिपेंडेंट है, उसका ये वे है कि आप दो पाथ लेंगे, एक पाथ हो जाएगा जो डायरेक्ट होगा, जो आपको लेट्स सपोज कि मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी थी कि आप समझे आप यूनिवर्सिटी आ रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आपका घर आपका वहीं पर ही है, आप यूनिवर्सिटी वाली रोड पर है तो आप क्या करते हैं, आप डायरेक्ट अपने घर से निकलते हैं सीधी रोड से आप यूनिवर्सिटी आ जाते हैं,
ठीक है। अब आप ये देखना चाहते हैं कि अगर आप किसी और बात से, किसी और तरह से सिटी से होके अगर आप यूनिवर्सिटी आते हैं, तो समझिए कि हम पेट्रोल का डिफरेंस देख रहे हैं कि कितना आपका होता है, तो आप क्या करेंगे, आप एक डिफरेंट पाथ लेंगे। लेकिन जो अगर आपको किसी चीज़ को कैलकुलेट करना है, आपने अपने पेट्रोल की कंजप्शन देखनी है, या आप कोई और चीज़ चेक कर रहे हैं, या यहाँ पर मैं उसका पाथ इंडिपेंडेंस चेक कर रही हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो इंपॉर्टेंट क्या होगा कि आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, ठीक है। दरमियान में और चीज़ें आएंगी तभी आपका पाथ डिफरेंट होगा, लेकिन ये कि अगर आप रास्ते में कहीं और जाके रुक जाए, यूनिवर्सिटी आने के बजाय खाला जी के घर जाके बैठ जाएँ, तो ऑफकोर्स आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि आप ये दोनों बराबर हैं या बराबर नहीं है, क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट तो सेम रहा था लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन आपकी सेम नहीं रही है, तो इस वजह से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकेंगे, ठीक है जी। अब हम देखना है हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ कि हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल है दैट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है जी। या आप कहने के जो आपका जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, तब हमने क्या किया, हमने दो पाथ्स ले लिए हैं। कौन कौन से जी, एक ये पाथ है हमारे पास, आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे क्या है, ये जो ब्लू लाइंस हैं, दीज लाइंस आर शोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस, क्योंकि अभी हम किसी एक चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो हम सारे जो वो हैं डिफरेंट उनको नहीं करना चाहते, तो हम क्या करते हैं कि इस जगह पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म ले रहे हैं, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगी तो फिर और थोड़ी सी हम इस पर लगाना शुरू करेंगे, तो हम क्या करते हैं, एट द मोमेंट हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म और ये आपकी डायरेक्शन है वो गिवन है आपके पास, ठीक है, और आपके पास एक पॉइंट है इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एट हायर पोटेंशियल। अगर दोनों सेम पोटेंशियल पे होते तो क्या होता, अगर आई और एफ दोनों सेम पोटेंशियल पर हो जाए तो क्या होगा जी, बाकी लोग भी इसमें ज़रा पार्टिसिपेट करें कि अभी लिखा हुआ है यहाँ पर, जब मैंने जिसको मैं जिस चीज़ को मैंने अंडरलाइन किया ये चीज़ कि क्या है कि आपका आई एट हायर पोटेंशियल है, आपका एफ एट लोअर पोटेंशियल है। माय क्वेश्चन इज़ कि अगर ये दोनों आई और एफ दोनों पॉइंट्स अगर सेम पोटेंशियल पर होते तो क्या होता, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या आता, ज़ीरो। चेंज क्योंकि सेम पोटेंशियल पर अगर मूव कर रहे हैं ना, अगर चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो है विच मीन्स वर्क डन वुड बी अगेन ज़ीरो, ठीक है। तो हम अब क्या करें, हमें ऑफकोर्स ज़ीरो तो नहीं चाहिए ना, ज़ीरो को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि हम अपने पार्टिकल्स को देखना चाहते हैं कि हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट। अब हम क्या करें, ये मैंने एक पाथ है आई टू एफ डायरेक्ट, मैं यहाँ से यहाँ पर डायरेक्ट आती हूँ, ठीक है जी, आई से एफ मूव कर रही हूँ। ये डिस्टेंस जो इसकी लेंथ है ये डी है, डी मीटर किलोमीटर वट एवर कुछ भी, ये आपका डिस्टेंस है। अब आप इसको कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, अच्छा ये एक चीज़ होगी। दूसरा पाथ अब देखते हैं कि दूसरा पाथ आपके पास क्या है। दूसरा पाथ ये है कि आपने ये आपका इनिशियल पॉइंट दैट इज़ आई, ओके ये आपका आई है यहाँ पर, यहाँ से आप डायरेक्ट नीचे आने की बजाय एफ़ पे आप क्या करेंगे, आप पहले सी पर जाएंगे, ठीक है, ये पॉइंट सी है, कोई और इंटरमीडिएट आपका पॉइंट है, उसके बाद आना आपने कहाँ पे है, दोबारा आपने आना किस पर है, एफ़ पर, तो आप फाइनल पर आएंगे और आप देखेंगे कि इस दौरान ये इस वाले में जो चेंज इन पोटेंशियल है क्या वो इस पाथ में से जो चेंज इन पोटेंशियल है उसके बराबर है या नहीं है। अगर हम कहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पाथ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ पाथ इंडिपेंडेंट, तो इसका ये मतलब है कि आपके पास इन दोनों का जो चेंज इन पोटेंशियल है ये डेल्टा वी है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, और इससे पहले मैं ज़रा इस पिक्चर को भी थोड़ा सा क्लीन कर लूँ ताकि हम इसको दोबारा यूज़ कर सकें, ओके जी। अब हमारे पास वे क्या है इसको करने का, हमारे पास इसको करने का वही वे जो हमने पहले यहाँ पर किया था कि हम कोई एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, उसको हम इस पॉइंट पे यहाँ पर मूव करवाते हैं, ठीक है, और फिर हम उसको बाद में इंटीग्रेट कर देंगे ताकि हमें टोटल उसका मिल सके, ठीक है। जब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास डिस्टेंस क्या है दैट इज़ टोटल डिस्टेंस क्या है, समझे, अब टोटल डिस्टेंस से क्या मुराद है बच्चे, जब आपके, अच्छा मैं इसको यहाँ बताती हूँ आपको, ओके जी, वी डेल्टा वी आप कर लें, या आप इसको इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई कर लें। अब ये किसके बराबर है, ये बराबर आपके पास आ जाता है ई डॉट डी एस के, ठीक है जी, साइन कोई आएगा साथ में या नहीं आएगा, आएगा जी, माइनस आएगा, ठीक है। ई हमने अभी आपको बताया था कि अपनी आसानी के लिए हम इसको यूनिफॉर्म ई लेते हैं, तो आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को ई ही कर लें, अगर ये यूनिफॉर्म है तो ऑफकोर्स, और यहाँ पे इसने मूव कहाँ से करना है, आई टू एफ, तो हमारे पता है कि इसका इसका क्या मतलब हो गया कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यूनिफॉर्म है तो विच मीन्स कि आप इसको यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है जी, ये हो गया आपके पास।
अब हम क्या करेंगे फर्दर कि अब मेरे पास अंदर क्या बच जाता है। अंदर अगर मैं एक और काम भी कर सकती हूँ, ठहर जाएँ ज़रा, मैं थोड़ा सा इस पिक्चर को थोड़ा और आसान करती हूँ। ये माइनस आ गया, ये ऐसे क्या आ गया। अब ई डी एस कॉस क्या आएगा भाई, कॉस आएगा, साइन आएगा, क्या चीज़ आएगी, डॉट प्रोडक्ट है तो ऑफकोर्स कॉस आएगा, यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड, पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम आई टू एफ विच मीन्स डाउनवर्ड, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस, पैरेलल हो गया, क्या एंगल हुआ, 90 हो गया, क्या कहते हैं, मुझे तो 90 लग रहा है, आपको क्या लग रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, जो पैरेलल हैं तो एंगल इसके दोनों में क्या होगा, ज़ीरो होगा, विच मीन्स कि आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी ई डी एस कॉस थीटा की जगह पे आप क्या लगाएंगे, ज़ीरो, ये पूरी टर्म आपकी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ठीक है जी, ये चीज़ आपके पास आ गई। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ से आप इसको माइनस ई आप अपने बाहर निकाल दिया, अब आपके पास ई डी एस रह गया आई टू एफ। अब ये जो पोर्शन आपका ये सारा इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन, बच्चे देखिए छोटा सा इतना सा पाथ क्या था, दैट इज डी एस। ठीक है, अब आपने इसके साथ, मैं दूसरा कलर करती हूँ, ये और पाथ जोड़ना शुरू कर दिए, बल्कि इसी की करते हैं जो यहाँ पर है, हम उसी को मैं बताती हूँ शायद। ओके जी, ये जो छोटा सा पाथ है ये वाला, इसको हमने कहा ये डी एस है। अब आपका टोटल पाथ क्या है, यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये सारा आपका पाथ है, चलता चलता ये आई हो गया, यहाँ से नीचे आते आते यहाँ पर ये एफ हो गया। तो ये टोटल आपकी लेंथ है, ये टोटल लेंथ, ठीक है, दैट इज़ गिवन विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी डी, क्या है जी, ये जो टोटल इसका स्मॉल पार्ट है दैट इज़ डी एस। बच्चे ये जो डी है ना, ये इस डी को शो नहीं कर रहा एक्चुअली, ये डी डिफरेंशियल को छोटे जो उसका डेल्टा है ना, उसको शो करने के लिए कि आप छोटा सा आपने एक लेंथ ये उसको शो कर रहा है, ये डी डी एस कर रहा है इसको। ठीक है, हम यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज करने के लिए भी कर सकते हैं, मैं एस डी की जगह पर यहाँ पर एस ले लूँ। ठीक है, तो आपको ज़्यादा शायद अच्छी तरह समझ आ जाए, चलिए हम ये चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैं ये कहती हूँ कि इसका जो स्मॉल पोर्शन है ये वाला, दैट इज़ डी एस विच मीन्स स्मॉल पोर्शन। ठीक है, और ये जो पूरी लेंथ है दिस इज एस। ठीक है जी, इसका ये मतलब होगा ये पूरी लेंथ आपको कब मिलेगी, जब आप डी एस को इंटीग्रेट करेंगे आई टू एफ पर। तो आप मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई एस। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एस क्या है, लेंथ उसकी। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको कि यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और उसकी जो टोटल लेंथ है आई टू एफ दैट इज एस। ठीक है जी, और मैं यहाँ पर भी इसको थोड़ा चेंज कर दूँ ताकि आपको यहाँ पे बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये जो लेंथ है इसको मैंने आप किस से किया है, इसको मैंने एस कह दिया ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन की मैंने चेंज किया इसके अंदर। ठीक है जी, अब ये क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया है, हमने एक पाथ के लिए आई टू एफ के लिए अभी हमने एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फाइंड आउट किया था, रिलेशनशिप विद इलेक्ट्रिक फील्ड उसको यूज़ करते हुए, जो कि था कि वी डेल्टा वी इज़ इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। तो हमने क्या किया, उसको यूज़ करते हुए हमने इलेक्ट्रिक चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया है फ्रॉम आई टू एफ यूजिंग टेस्ट चार्ज क्यू मूव, एक छोटे से पोर्शन को लेते हुए दैट इज डी एस। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ द ये जो आपका आई टू एफ है दैट इज़ सेम, वो चूँकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ जाते हैं, उनके दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो है, इसको भी हमने यहाँ पर सारा यूज़ किया है, तो हमारे पास जो आंसर आया दैट इज़ माइनस ई एस। अब अगर तो हमारा जो डेल्टा एस है दैट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट, उसका ये मतलब होगा कि आपके पास ये डेल्टा एस, समझ लें कि आपने एस में लिखती हूँ कि ये स्ट्रेट जो पाथ था ना उसका हमने निकाला है। अब अगर तो ये बराबर आ जाए आपके दूसरे जो डिफरेंट पाथ के, तो इसका मतलब है कि हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल दैट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट। ओके जी, अब हम क्या देखते हैं, अगला पाथ ले लेते हैं जी। अब हमारा ये पाथ देखें, अब इसमें गेंद थोड़ी सी चेंज कर लें कि मैंने यहाँ पे डी की जगह क्या लिखा है, एस लिखा है। ओके जी, आपका पार्टिकल अब दो में आप उसको अपनी इंटीग्रेशन को इस पर करेंगे, एक आपके पास आ जाएगा आई टू सी पाथ। ठीक है,
इसकी लेंथ आपको गिवन नहीं है। दूसरा पाथ है सी टू एफ, इसकी भी लेंथ आपको गिवन नहीं है, मीन्स कि जब आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको थोड़ी सी कुछ काम करना पड़ेगा। सो डेल्टा वी किसके बराबर आ गया जी, अब मैं इस पाथ को ले रही हूँ जो कि है आई टू सी। पहली बात ये कि ये आपके पास, अच्छा मैं आपको ये यहाँ आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब भी हमने सेम पोटेंशियल सर्विसेज की बात की तो देखें कि ये पॉइंट इनिशियल और ये जो फाइनल पॉइंट सी है ये किस चीज़ पर है, ये एक ही पोटेंशियल पर है। इनको वैसे भी ज़ीरो आना चाहिए लेकिन अभी हम प्रूव भी करते हैं कि ज़ीरो आते कैसे हैं। ये हमारे पास ये बराबर हो गया ई डॉट डी एस, ठीक है जी। अब ये हो गया आई टू सी, आई टू एफ नहीं है, ठीक है आई टू सी, और इसको हम यहाँ पे एस की जगह मैं कह देती हूँ सी, ठीक है। ये डेल्टा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है फ्रॉम आई टू सी, इस पाथ पे आप इसको देख लें। चलिए चलिए हम इसको देख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ई डी एस कॉस थीटा। अब देखेंगे थीटा का यहाँ पर क्या है, ये आपका करेंगे आप उस तरह से, आप एक छोटा सा पार्टिकल लेंगे उसको आप यहाँ पे मूव करवाएंगे, डी एस पाथ को स्टेलर्स को तय किया है। अब ये देखिए पार्टिकल की डायरेक्शन जो सी है वो इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ये देखिए आपको जो ब्लू लाइन्स है वो किस तरफ है, वो डाउनवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पर ये है, एंगल दोनों के दरमियान में क्या हुआ जी, ज़ीरो, क्या कहते हैं दोनों का एंगल क्या है जी, आप ये बता दें मुझे दोनों का एंगल क्या आ रहा है, कॉस 90। सर क्या मतलब हुआ, ये टर्म होगी ज़ीरो, विच मीन्स कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस अलॉन्ग आई टू सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपने प्रूव भी कर दिया है और आप इसको वैसे भी जानते हैं कि अगर आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सेम पोटेंशियल पे हो तो वहाँ पे ऑफ कोर्स चेंज क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है जी। अब हमारे पास अगला पाथ आ जाता है और थोड़ी सी अब उसमें हमारे पास काम भी आ जाएगा कि अब हम इसको क्या करेंगे। अब हमारे पार्टिकल की डायरेक्शन बन गई है जी, ये जो आपके सामने नहीं ये कलर ठीक नहीं है, ये आपके पार्टिकल की डायरेक्शन है और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और गिवन है ये एंगल दैट इज़ 45। सो अब आप क्या लिखेंगे जी, डेल्टा वी, अब इसका मैं नाम देती हूँ ये सी एफ है तो अब मैं इसको एफ कह देती हूँ, ठीक है जी। अब ये किसके बराबर आ गया, डेल्टा एफ मेरे पास किसके बराबर आएगा, मैं फिर वही फॉर्मूला लिखूँगी इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके दरमियान में, सी से एफ तक। पहली इंटीग्रेशन किस में थी, आई से सी तक, अब सी से आपने कहाँ जाना है, एफ तक, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये किसके बराबर है जी, माइनस ई डी एस कॉस 45 आएगा कोई कुछ और आएगा, गिवन है बच्चे की तो इसकी जो डायरेक्शन है पार्टिकल की वो किधर गई, हमारी किधर घूम गई है, जो पार्टिकल की डायरेक्शन है और जो हमारे पास ये है जी, इसको मैं थोड़ा साथ में नीचे लिया हूँ अपने कैलकुलेशन के पास थोड़ा कर लिया हूँ उसको तो मुझे पता चले। ओके जी देखिए यहाँ पर, ओके यहाँ पर क्या जी कि आपका जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है 45 विद रिस्पेक्ट टू किसके, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ई के। अब हम क्या करें जी, अब हमने यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया कि हमारे पास क्या आ गया, माइनस ये आ गया और ई को भी अब यूनिफॉर्म में मैंने बाय निकाल लिया, कॉस 45 आप मुझे बता दें कि क्या आता है, कॉस 45 भी आपका बाहर आ गया क्योंकि कोई नंबर है ना, और अंदर आपके बच गया डी एस, ये कहाँ से, सी से एफ तक, ठीक है जी। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर आपको लेंथ चाहिए ई कॉस 45, ठीक है, और लेंथ आपके पास, तो आपको टोटल इसको लेंथ को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या क्या मिल जाएगा, सी एफ, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इस पॉइंट को फर्दर समझें, जब हमने आई टू एफ, ये हमारा आई था और ये हमारा एफ था, ये टोटल लेंथ थी, इसको मैंने एस कहा था, जब मैंने इसको आई टू एफ इंटीग्रेट किया डी एस को तो मुझे वो लेंथ मिली जो ये वाली थी आई टू एफ की डायरेक्ट, ठीक है, तो वो क्या थी, एस थी, एस ही मेरी गिवन थी। लेकिन अब यहाँ पर मुझे जो मिल रहा है दैट इज़ सी एफ, अगर मैं चाहूँ मैं कहती भाई ये मेरे पास डेल्टा वी एफ आ गया, तो अब मैं इसको क्या करूँ,
CF को तो हमें नहीं पता कि CF क्या है, ये CF तो हमें उसकी लेंथ का आइडिया नहीं हो रहा ना, मैं इसको कंपेयर कर सकती हूँ कि ये इसकी ये वैल्यू S के बराबर है या नहीं है, तो मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूँ। तब हम क्या करते हैं कि हम इसको अपनी जो हमारे पास जो ट्राइंगल बन रही है उस पर गौर करेंगे कि आपकी ये ट्राइंगल बन रही है जी। ये आपका एक बात हो गया, ठीक है, और इधर क्या था जी आपका दूसरा हो गया। ये एंगल क्या गिवन है जी 45, ठीक है, ये आपका 90 का, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा। यस सर, तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो एंगल सेम हो तो उसकी दो लेंथ क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ज़्यादा होती हैं, डबल होती हैं, क्या होती हैं, कुछ है आपको याद। ये लेंथ हमने डिफाइन की हुई है, ये वाली ये लेंथ, ये आई टू एफ है, ये हमें पता है ये एस है, ठीक है, इसका ये स्केल के मुताबिक नहीं ड्रॉन, ठीक है, लेकिन मैं आपको एंगल से बता रही हूँ कि दोनों एंगल इसके सेम है, इसका ये मतलब है कि ये दोनों लेंथ क्या होंगी, सेम होंगी। जानते हैं ना आप इस चीज़ को कि नहीं जानते इस बात को आप। दो लेंथ आपके पास हैं, ठीक है, कौन ये, इसको मैं अगर लेट्स सपोज लिख लूँ, ये मेरे पास आई है, ये एफ है, और ये मेरे पास सी है, ठीक है जी। मुझे ये नहीं पता कि सी एफ क्या चीज़ है, सी एफ मैंने फाइंड आउट करना है, ठीक है, और अभी हमने ये बताया कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके दो एंगल्स बराबर हैं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि उसकी जो लेंथ्स हैं दो वो क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, इसके सामने वाली ये और इधर इसके सामने वाली दूसरी, ये लेंथ क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, और ट्राइंगल को आपके पास कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप क्या कर सकते हैं जी, कुछ आप बताएँगे मुझे इसके बारे में। सी एफ किसके बराबर आएगा, ठीक है, यही आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 2s² और सी एफ किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट 2s, ठीक है जी, ये आपके पास सी एफ आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे लिख लें, कहाँ पे जी हम अपना काम कर रहे थे, यहाँ पे हम, अब मेरे पास क्या आ गया, डी एफ किसके बराबर आ गया जी, माइनस ई, आपको पता है कॉस 45 किसके बराबर होता है, कॉस 45 बराबर होता है जी यहाँ पे 1/√2 के, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, √2s, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, के पास क्या आ गया, माइनस ई एस। अब हम देखते हैं कि हमारे पास दो पोर्शन के थे ना, डेल्टा वी सी इज प्लस डेल्टा वी, सॉरी F, ये किसके बराबर आएगा, डेल्टा वी आई सी एफ, ठीक है, कहाँ से चला था, आई से सी से और एफ से होता हुआ, और ये जो चीज़ है ये हमारी किस चीज़ के बराबर होनी चाहिए, डेल्टा आई सी एफ शुड बी इक्वल टू डेल्टा वी आई एफ। ये क्या बताता है कि आप एक डिफरेंट पाथ से आए हैं, ठीक है, ये वाली चीज़, और ये एक डायरेक्ट पाथ को शो कर रहा है, अगर टू डिफरेंट पाथ्स आप ले रहे हैं और उनमें आपका चेंज इन पोटेंशियल सेम आ रहा है तो इसका क्या मतलब होगा कि ये पाथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी, इसका जो वर्ब डालता, यहाँ पे क्या था माइनस ई एस और यहाँ पे भी क्या था माइनस ई एस, इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ होल्ड करती है, ठीक है जी। अब फिर अगर एक बार आप इसको समझना चाहें, इस चीज़ को एक दूसरी नज़र से देखना चाहें कि यहाँ पे देखें ये क्या था, सॉरी अगर मैं इसको यहाँ पे ये ज़ीरो था और ये क्या था माइनस ई एस, तो इसलिए इसको मैंने क्या लिखा माइनस ई एस, क्लियर है ना ये बात आपको, कोई इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं आई थिंक, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि अगर मैं यहाँ पर आपको दोबारा से हम इसी चीज़ को डिस्कस करें कि यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा था या हमने करना क्या था, ठीक है, हम उस चीज़ को दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया जी कि हमने आज का जो लेक्चर है उसका छोटा सा थोड़ा सा आपके सामने एक मिनट जी एक क्विक ओवरव्यू कर लूँ ख़त्म करने से पहले, ताकि आपके उसमें हो जाए कि सबसे पहले हमने आज के लेक्चर को स्टार्ट किया था एक्चुअली अपने
डिस्कशन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। हमने कहा कि हम ऐसी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स होने से इसका यह मतलब है कि इसके साथ कोई पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड है, जिसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हमने यू कहा था, ठीक है। और ये चेंज इन यू बराबर होता है माइनस वर्क डन के, ठीक है। इससे हमें पता चल गया कि हमारे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू माइनस वर्क डन। और हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज़ टर्म्ड एज चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि चेंज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी इज़ योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसका ये मतलब है कि आप इसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप बना सकते हैं माइनस डब्ल्यू ओवर क्यू के साथ, डब्ल्यू इज़ योर वर्क डन, ठीक है। यहाँ ये बात क्लियर है, ओके जी। नेक्स्ट टॉपिक वाज क्या हमने कर लिया फिर इसके बाद, उसके बाद हमने एक एग्जांपल की थी कॉस्मिक रे वाली, कि आपके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अब आपने उसमें चेंज इन पोटेंशियल, हमने वहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी निकाला, किस चीज़ से निकाला, कि डब्ल्यू हमें पता है बराबर होता है एफ डॉट डी के, ये स्केलर क्वांटिटी है और डॉट प्रोडक्ट है ये एफ और डी के दरमियान में। तो जो भी आपकी कोई डायरेक्शन होगी, अगर आपने इसको आपको फोर्स गिवन है तो आप इस चीज़ को फोर्स के साथ सॉल्व करेंगे, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो आप इस एफ की जगह पे क्यू ई लिखते हुए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फिर आप ई की डायरेक्शन देखेंगे कि क्या आ रही है आपके पास। इस तरह से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने वर्क डन फाइंड आउट किया, फिर हमने वर्क डन को किस से इक्वेट किया, हमने उसको यू के साथ, पोटेंशियल एनर्जी के साथ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ हमने इसको इक्वेट कर दिया। उसके बाद हमने ये कॉन्सेप्ट किया कि अगर आपके पास इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस हों, ऐसी सर्फिलर स्पोर्ट्स के यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल चेंज हो रहा है इधर से इधर को, ये आई है, ये एफ है, ठीक है। लेट सपोज ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग कुछ भी, लेकिन इस साइड पे आपका पोटेंशियल रिमेन सेम, इस पॉइंट पे पोटेंशियल रिमेन सेम, इस सरफेस के लिए पोटेंशियल रिमेन सेम। तो अगर आपका पार्टिकल या कोई भी आपकी जो सिस्टम है वो मूव करता है सेम पोटेंशियल पे, अगर आपका पार्टिकल मूव करे तो चेंज इन पोटेंशियल ऑफ कोर्स दैट इज़ ज़ीरो, ठीक है जी। इस चीज़ को हमने इक्विपोटेंशियल सर्विसेज में डिस्कस किया कि आप डिफरेंट, अगर आपका एक पार्टिकल है वो यहाँ से होकर डिफरेंट होकर, लेकिन अगर उसका इनिशियल आपका फार्मूला में, जो आपका फार्मूला है ना, दैट इज़ डेल्टा नहीं लेना चाहिए एक्चुअली, वी एफ माइनस वी आई, दिस इज़ इक्वल टू चेंज इन पी। इसमें देखिए आई और एफ की सिर्फ वैल्यू आ रही है, दरमियानी पाथ वो कौन सा फॉलो कर रहा है, वो किस तरह से यहाँ तक पहुँचता है, एफ तक पहुँचता है, ये आपके उसमें नहीं आ रहा है, मतलब कि इस पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पार्टिकल सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर अगर मूव करते हैं, तो उस इन दैट केस वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। लेकिन अगर वो एक पोटेंशियल से शुरू करते हैं और दूसरे पोटेंशियल में जाके एंड अप करते हैं, तो आपका वर्क डन विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। चीज़ ये चीज़ हमने किया। उसके बाद हमने कहा है, हमने एक्चुअली फाइंड आउट करने की कोशिश की है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ई। उसके लिए हमने क्या किया कि हमने कोई अपना पाथ लिया था, अब यहाँ से हमने एक, ये मैं कहती हूँ कि यहाँ से मुझे ये आई है और एफ तक उसने आना है, तो मैंने एक छोटा टेस्ट चार्ज लिया, उसको मैंने यहाँ पर मूव करवाया, उसकी डायरेक्शन ये थी। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, या तो डेल्टा वी है, उसके एक डायरेक्ट रिलेशनशिप मिल गया ई डॉट डी एस के साथ, ठीक है जी। अभी जो डेल्टा वी है, अगर आप इसको कोई स्पेशल केस करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि कहीं पर आप वी आई को ज़ीरो कर सकते हैं, और आप चाहें तो वी एफ को भी किसी स्पेशल केस में ज़ीरो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक रिलेशनशिप बन जाएगा माइनस ई डॉट डी एस, ऑफकोर्स ये एक स्पेशल सिनेरियो है, यहाँ पे हमारे पास एक ये भी हमने कर लिया। उसके बाद हमने एक एग्जांपल किया है कि जो हमारा चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इस चीज़ को शो करने के लिए कि ये पाथ इंडिपेंडेंट है, इसको फर्क नहीं पड़ता है कि आपने एक इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचे, आई एंड दिस इज एफ, आप इधर से यहाँ पर आ जाएं, आप इधर से यहाँ पर आ जाएं, आप इस पॉइंट पे यहाँ से होते हुए यहाँ पर आ जाएं, इन सब का जो वर्क डन है दैट इज़ चेंज, दैट इज़ सेम, या आप ये कहें कि जो इनका चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज़ चेंज, वो सेम आएगा, वहाँ पे डिफरेंस नहीं आता, बिकॉज दिस फोर्स इज़ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट है, कि आप कोई भी पाथ लें जो इनके दरमियान में, समझने के ये एक डिस्टेंस बन रहा है, ये आपका इसके बराबर आ जाएगा। ये चीज़ करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक एग्जांपल ली है जिसमें दो तरह के, हमने छोटा करूँ मैं, एक चीज़ देखना चाह रही हूँ, फिगर आपको एक बार फिर दिखाना चाह रही हूँ, ठीक है जी।
ये हमने दो तरह की फिगर ली हैं जी, ये हमने सिचुएशन ली है कि एक वो है जहाँ पर आपके पास पार्टी का डायरेक्ट आई टू एफ आ रहा है, ठीक है। इसका हमने क्या फाइंड आउट किया, इसके हमने चेंज इन और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लिया। फिर हमने एक और क्वेश्चन इसी के पार्ट किया, आई और एफ को हमने क्या किया कि अब आपका जो चार्ज पार्टिकल है, जो आपका टेस्ट चार्ज है जिसने आई टू एफ जाना है, अब वो एक और पाथ ले रहा है, दैट इज़ पहले वो आई से सी पर जाएगा, ठीक है, और सी के बाद वो यहाँ पर एफ पर आएगा। इसको जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन थी, पहली बात तो ये कि ये आपका सेम पोटेंशियल पे है, आपको पता है कि ये वाला बात जीरो होगा, लेकिन आप इसको एंगल लिख के इसको जीरो करेंगे ताकि आपको पता चले ये काम जो हमने यहाँ पे किया था 90 के साथ, वो आप पूरा लिखेंगे और फिर आप इस वाले पाथ को जीरो कर देंगे, ठीक है। साथ में आप एंड पे मेंशन भी कर सकते हैं कि बिकॉज दीज टू पॉइंट आई एंड सी आर ऑन द सेम पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, अब आपने अगर आपका यहाँ पे जीरो ना होता तो आपने आई और सी को फाइंड आउट करना था, क्यों, क्योंकि आपके पास जो आपका डी एस है ना, लेट्स सपोज ये आई टू सी डी एस है, जब आप इस चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास आ जाने थी टोटल लेंथ जो आनी थी, दैट इज़ आई सी समझने। और अब आई सी भी हमें नहीं गिवन है, हमें तो जो भी लेंथ गिवन दैट इज़ इन टर्म ऑफ एस है, तो फिर हमने आई सी को भी इन टर्म ऑफ एस करना था, ठीक है, जो कि अगले पार्ट में हमने किया। फिर हमने क्या किया कि चलिए ये तो हमारी आसान हो गई कि इस वाले पाथ का जो हमारा डेल्टा वी था, समझे कि जो सी वाला था, दैट इज़ इक्वल टू जीरो, वो पहले जीरो हो गया, इसलिए हमें आसानी हो गई, हमने इसको उसकी लेंथ वगैरह को मैयर नहीं किया। फिर हमारे पास ये वाली जो थी सी टू एफ का पाथ बच गया। हमने क्या किया, हमने देखा कि ऐसे ट्राइंगल है, इसके दो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी कि उसके दो एंगल जो उनसे वो बराबर हैं और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर आपके पास कोई ऐसी ट्राइंगल हो, इसको आइसोसेलियस ट्राइंगल कहते हैं, वो जिसके दो एंगल्स बराबर हों, तो इसका ये मतलब होगा कि उसकी दो लेंथ सामने सामने वाली जो उसके एक एंगल के सामने की लेंथ है और दूसरे एंगल के सामने की लेंथ क्या होती है, बराबर होती हैं। इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये अगर लेंथ, ये वाली लेंथ एस है, इसका मतलब कि आई सी भी किसके बराबर, एक मिनट जी, आई सी किसके बराबर है, आई सी भी एस के बराबर आ जाता है आपका, ठीक है, यानी कि आई एफ आपका एस के बराबर है, तो आई सी भी किसके बराबर है, एस के बराबर आ जाता है। तो उसके लेकिन हमें जो लेंथ चाहिए दैट इज सी एफ चाहिए, तो सी एफ फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया जी, सी एफ का स्क्वेयर, क्योंकि अब हमारे पास दो लेंथ नॉन थी, एस स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर की, और यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाला जो चेंज इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस पाथ का और प्लस इस पाथ का, इसको हमने फाइंड आउट किया, दोनों को ऐड किया, वो निकला माइनस ई एस, जो कि किसके बराबर था, इसका हमने पहले फाइंड आउट किया था, ये किसके बराबर आया था, ये अभी हमारा ई एस के बराबर आया था, ठीक है, माइनस के साथ। तो हमें ये पता चला कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या वर्क डन इसकी इसकी वजह से जो हो रहा था, दैट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट, कि आप कोई भी पाथ लें उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। उसकी रीज़न दोबारा वही आती है कि हमारा जो फार्मूला था, हमने बेसिकली आप ये कहें कि हमने इसको प्रूव किया है कि वी एफ माइनस वी आई, देखिए यहाँ पर दरमियानी पाथ का जिक्र नहीं है, ये पोटेंशियल है एट इनिशियल पॉइंट और ये पोटेंशियल है एट फाइनल पॉइंट, दरमियान में किस किस पॉइंट से गुजरा है, कैसे यहाँ तक पहुँचा है, ये हमारे फार्मूले में नहीं आ रहा, विच मीन्स कि ये क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है। और ये चीज़ हमने क्या किया है, इसको हमने प्रूव किया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई थी। एक और छोटी सी डिस्कशन थी जो मैं करना चाह रही थी, वो थी इसके बारे में, पता नहीं हमारे पास टाइम कितना था, आई थिंक अभी होगा, अभी हमने कोई बहुत बड़ी चीज़ तो डिस्कस नहीं की है, तो हम अभी इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी, कि हमारे पास ये क्या, किस तरह से हम इसके यूनिट के एक्चुअली में डिस्कस करना चाह रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर आपको याद हो तो हमने अभी कुछ से पहले जो वोल्ट का अभी हमने जब यूनिट देखा था, तो वोल्ट हमने किसके बराबर लिखा था, कुछ याद है आपको, जूल पर कूलम था, क्या था, जूल पर कूलम था, ये वोल्ट के बराबर आता है। अब अगर आप देखें कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, लेट्स सपोज यू हैव 1 न्यूटन पर कूलम, तो ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, अगर मैं इसको लिखूँ 1 न्यूटन पर कूलम, मैथमेटिक, आप मैथमेटिक्स के लोग हैं, आपको ज़्यादा पता है कि ये दोनों चीज़ें ऑफकोर्स आपस में बराबर हैं, अगर मैं इसके साथ 1 और 1 और लिखूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई नहीं पड़ना चाहिए इन प्रिंसिपल, और इवन अगर मैं इसके साथ फिर 1 और 1 लिख दूँ तो क्या इसको कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है जी। अब मैं क्या करती हूँ, इस वाली यहाँ पे मैं लिख दूँ वोल्ट ओवर जे ओवर कूलम, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, ये वोल्ट है और ये जे जो जूल पर कूलम भी क्या है आपका, वोल्ट है, वोल्ट और वोल्ट 1 ओवर 1 रिमेन 1, ठीक है जी, ये चीज़ आ गई। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ये कर लूँ, जूल को कर लूँ,
और नीचे लिख लूँ न्यूटन मीटर। आपको पता ना जौल किसके बराबर होता है, जौल बराबर होता है न्यूटन मीटर के, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि ये दोनों चीज़ें भी कैंसिल हो जाएंगी आपस में, तो रिमेन वन, इनके आपके पास ये सारी जो इक्वेशन है किसके बराबर है, वन न्यूटन पर कूलम के। एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ इसका मकसद वजह ये है कि हम एक इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसका एक नया यूनिट इन टर्म्स ऑफ वोल्ट ड्राइव करना चाहते हैं, तो मैं उसको वहाँ पर आपको लेके जाना चाह रही हूँ, ठीक है जी। अब अगर आप देखें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, ठीक है जी, ये सी कहाँ चला जाएगा, ये सी ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये सी इस सी से कैंसिल हो गया, ये जौल इस जौल से कैंसिल हो गया, ये एन इस एन से कैंसिल हो गया। आप बता सकते हैं बाकी आपके पास क्या बचा, मेरे पास वन बचा और क्या है जी, वोल्ट है ये वाला, और कोई चीज़ जो यहाँ से बची हो दैट इज़ ओवर मीटर, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि वन न्यूटन पर कूलम इज़ इक्वल टू वन वोल्ट पर मीटर। इसका ये मतलब है कि ये यूनिट किसका था, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसका ये मतलब है कि ये भी यूनिट किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि आप इसको जब आपको जिस सिचुएशन में आप हो वहाँ पर आप इसके यूनिट को चेंज कर सकते हैं कि वन न्यूटन पर कूलम इज़ इक्वल टू वन वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये एक हमने रिलेशनशिप बनाया है कि हमें अब क्या चीज़ चाहिए थी, अब उसको वोल्ट को देखते हुए हमने कर लिया। इसी तरह बच्चे हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स यूज़ होते हैं, अगर हम पार्टिकल फिजिक्स की जैसे बात करते हैं तो हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे एक यूनिट यूज़ होता है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, आपका इलेक्ट्रॉन है और आपके पास क्या आ गया जी, वन वोल्ट आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन की क्या वैल्यू, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 19 कूलम है आपके पास, ठीक है जी। और आपके पास वोल्ट किसके बराबर है, वोल्ट आपका जौल पर कूलम के बराबर है, यहाँ कूलम है, तो ये किस चीज़ के, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज़ के बराबर आ जाता है, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जौल के, ठीक है जी। ये चीज़ आपके पास आ जाती है। और अब हम क्या करना चाह रहे थे, बस ये यूनिट से रिलेटेड चीज़ें हैं, इस पे कोई इतनी हमें कुछ नहीं है। और हम क्या कर सकते हैं जी, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ जो हमने मिस की हो, बस आई थिंक ठीक है। ये हमने जो यूनिट है उनकी कन्वर्जन को भी चेक कर लिया है कि हम मुख्तलिफ, एक्चुअली डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम यूज़ करते हैं मोस्टली पार्टिकल फिजिक्स में। पार्टिकल फिजिक्स में आपके पास क्या होता है, जो आपके पार्टिकल के लेट्स मैसेज हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉन के मैस की बात करते हैं वो 10^-31 किलोग्राम में आता है, अगर आप प्रोटॉन की बात करते हैं 10^-27 किलोग्राम में आता है, तो आप इनको डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं फिर, हम वहाँ पर एक और यूनिट यूज़ करते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक एग्जांपल जो यूनिट है, क्योंकि हमने भी चेक कर लिया जौल के इक्वल कि आपके 1.6 जौल के बराबर आ जाता है। उसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा यूनिट देने का मतलब ये है कि अगर आपके पास डिफरेंट सिनेरियो है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में कुछ अवेलेबल है, या आप इन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका यूनिट वोल्ट में चाहिए, तो आप उसको किस तरह से वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये डिस्कशन होगी, आई थिंक आज के लिए मेरा ख्याल है कि ये काम हमारा सफिशेंट है, ठीक है जी। अगर आपको इसमें से कोई पॉइंट, कोई चीज़ समझ अगर नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, बस ये लास्ट वीक हमारा थोड़ा सा बिज़ी है, उसके बाद हमारे पास आपके भी आई थिंक कोर्सेज कुछ कम हो जाएंगे, कुछ मेरे भी कम हो जाएंगे, तो फिर हम ज़्यादा टाइम लगा सकेंगे और ज़्यादा आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा आवर्स को हम डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें आपकी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको हम फर्दर डिटेल से डिस्कस कर सकें, ठीक है जी। आई थिंक आज के लिए ये काफ़ी है, ओके जी, तो यहीं बस करते हैं, ओके अल्लाह हाफिज़। समझ अगर नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, बस ये लास्ट वीक हमारा थोड़ा सा बिज़ी है, उसके बाद हमारे पास आपके भी आई थिंक कोर्सेज कुछ कम हो जाएंगे, कुछ मेरे भी कम हो जाएंगे, तो फिर हम ज़्यादा टाइम लगा सकेंगे और ज़्यादा आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा आवर्स को हम डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें आपकी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको हम फर्दर डिटेल से डिस्कस कर सकें, ठीक है जी। आई थिंक आज के लिए ये काफ़ी है, ओके जी, तो यहीं बस करते हैं, ओके अल्लाह हाफिज़।